Hello students, welcome to your maths class. Today we will learn about finding the missing digits. For finding the digits, if you want to find the digit of addend, ये वाला जो question में जो numbers होते हैं उन उसको addend बोलते हैं. तो अगर आपको addend में number digit find out करनी है तो आप सम वाले डिजिट में से एडेंट वाले को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा. लेकिन अगर आपको सम वाले में ब्लैंक स्पेस है और उसमें डिजिट फाइंड आउट करनी है मिसिंग, तो आप दोनों एडेंट्स को प्लस करके फाइंड आउट करोगे. लेट मी डू सम एग्जांपल्स. नाउ इन दिस क्वेश्चन हियर एडेंट डिजिट इज ब्लैंक. Here addend digit is blank. Here addend is not given. Now in this sum, in the sum digit is not given. So for finding the digit in addend, what you do? You do subtraction of sum minus other addend. Now in this the sum. So add this 8 and 4, 12. Ones place को add करोगे आप तो 8 और 4 को add करोगे तो 12 आएगा. अब ये जो 12 आया, 2 आपने यहाँ लिख दिया, 1 आपने carry किया. अब ये आपके पास addend में number हो गए 1 plus 8, 9. और यहाँ sum में आपको सिर्फ 9 ही चाहिए. तो 9 already है आपके पास. तो ये आपका 9 माइनस 9 करके आपको मिल गया 0. मतलब यहाँ पे आपको 0 लिखना है. अब फिर से ये एडेंट वाली लाइन है तो अब 100 वाले में भी ऐसे ही करोगे 5 माइनस 4 आपको आंसर मिल गया 1. यहाँ 1 लिखोगे. अब ये सम वाली लाइन है तो इसमें आप इन दोनों को प्लस करोगे 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9. यहाँ पे एडेंट वाली लाइन में नंबर डिजिट चाहिए आपको तो अब आप क्या करोगे 4 माइनस 2 आंसर हो गया 2. अब आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है आप चेक भी कर सकते हो. कैसे करोगे 8 प्लस 4 12 1 कैरी किया 1 प्लस 8 9 प्लस 0 9 1 प्लस 4 5 5 प्लस 4 9 2 प्लस 2 4. It means your answer is correct. Now, next, here, ones place पे आपको यहाँ पे आपको कौन सी कहाँ का number find out करना है addend का करेंगे minus करेंगे. तो अब 4 जो sum की digit है और दूसरे addend की digit 2 है दोनों को subtract कर लो. तो या ones place का कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मिला 2. अब यहाँ पे आपको फिर से एडेंट का चाहिए और सम वाले में 6 है दूसरे एडेंट में 5 है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो 1 आएगा. अब यहाँ पे फिर से तुम्हें एडेंट वाले में आपको एडेंट वाले में ही आंसर चाहिए तो आप क्या करोगे 7 माइनस 3 और ये बन जाएगा 4. तो यहाँ लिखोगे 4. अब फिर से एडेंट वाले में ही चाहिए तो सम वाले में नंबर है 2 दूसरे एडेंट में नंबर है 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट किया आंसर मिला 0. इसका मतलब यहाँ पे आपको लिखना है 0. अब यहाँ पे ये वाला यहाँ पे आपको नंबर चाहिए सम वाले में तो सम वाले में जब आपको फाइंड आउट करना होता है तो आप क्या करोगे कि दोनों को प्लस करोगे 1 प्लस 5 6. तो यहाँ लिखोगे 6. नाउ चेक योर आंसर 2 प्लस 2 4 5 प्लस 1 6 4 प्लस 3 7 2 प्लस 0 2 1 प्लस 5 6. इट मीन्स योर आंसर इज राइट. नाउ इन द नेक्स्ट यहाँ पे आपको एडेंट में डिजिट चाहिए. यहाँ भी एडेंट ये भी एडेंट है और ये सम है तो एडेंट में फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होता है सब्ट्रैक्ट किस में से सम वाले डिजिट में से दूसरे एडेंट का. तो आपने इसको किया
यहाँ पे है वंस, है ना। तो आप वंस वाले कॉलम का कर रहे हो, तो आपने लिखा सम वाले का 9 और दूसरे एडेंट का 6, आंसर मिला आपको 3, आपने 3 फिल किया। अब यहाँ पे 5, टेंस वाले में आपको क्या मिला, 5 माइनस 3, सम वाले में 5 है और दूसरा एडेंट 3 है, सब्ट्रैक्ट किया 2 आ गया, 2 फिल किया आपने। अब यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मैम तो आपको कंटिन्यू बोल रही है कि सम वाले में से एडेंट को माइनस करो, हम पहले उतना ही लिखते हैं, ठीक है। अब बच्चों 2 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हम इसके साथ 10 प्लस कर लेंगे, मतलब ये बन जाएगा 12, ठीक है। तो अब आप ये जब 12 बन जाएगा तो ये अब आपको क्या मिला, 12 माइनस 9 3, ठीक है। तो आपने 2 लिख दिया यहाँ पे। अब इसके बाद ये जो 12 है, आपने जो 12 किया इसका 2 तो ये रहा, और यहाँ आपको इसका 1 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब आपको वापस एडेंट में नंबर चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्या क्या नंबर मिल रहे हैं, 1 मिला और 8 मिला, 9, लेकिन यहाँ पे फिर से छोटा नंबर मिल गया, तो आपको 10 प्लस करना है, तो 1 प्लस 10 11, है ना। तो 1000 वाले में भी 11 हो गया, और यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर्स हैं 1 प्लस 8 9, तो अब 9 माइनस किया, यहाँ पे आ गया आपका 2। अब ये सम वाली लाइन है, तो सम वाले में आपको फिल करने के लिए 5 प्लस 3 8, अगेन चेक, 6 प्लस 3 9, 2 प्लस 3 5, 9 प्लस 3 12, 1 कैरी किया आपने, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 8 11, 1 कैरी किया, और यहाँ पे आपको अब आपने सारे नंबर्स को जब ऐड किया, अब 11 का आपने 1 तो यहाँ लिख दिया, लेकिन ये 1 बच गया, तो ये 1 आपने यहाँ लिखा, तो यहाँ पे नंबर हो गया 1 प्लस 5 6 प्लस 3 9, तो यहाँ पे नंबर आएगा 9। तो आप जब चेक करते हैं तो आपका आंसर आपको पता चल जाता है कि कहीं पे आपसे मिस्टेक तो नहीं हो गई। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपने फिल करना है, यहाँ आपको सब ये सारे सम वाले हैं प्लस करके करोगे, यहाँ पे एडेंट करना है तो सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये बहुत सिंपल है, 2 प्लस 6 8, 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 5 8, 2 प्लस 6 8। अब यहाँ पे, यहाँ आपको वही रूल फॉलो करना है कि सम वाली डिजिट है 9, ठीक है, और एडेंट वाली है 5, तो सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मिलेगा 4, अगेन चेक कर लो, 2 प्लस 6 8, 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 5 8, 2 प्लस 6 8, 5 प्लस 4 9, ये हो गया आपका। अब आ गया नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो डिजिट्स हैं आपको फिल करनी है, सारी एडेंट वाली हैं, और सम वाले में आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेस मिली है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2, यहाँ 5 और यहाँ पे 9, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस वाले में आपको क्या करना है, ये एडेंट की लाइन है, यहाँ पे डिजिट चाहिए आपको, तो आप माइनस करोगे वंस वाले कॉलम का, 9 माइनस 3, आपको आंसर मिला 6। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम लगेगी वापस, कि ये वाला जो है इसमें यहाँ पे फिल करना है आपको, लेकिन ये 5 है और मैम ने आपको बोला कि सम में से सब्ट्रैक्ट करो एडेंट वाला, तो ये सम 5 है और ये 7 है, लेकिन ये 5 छोटा हो रहा है तो हम इसमें +10 कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 15, तो ये हो गया 15 माइनस 7, आंसर आपको मिल गया 8, यहाँ पे आप 8 फिल करोगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले में अगेन आपको ये 2, यहाँ पे सम में 2 मिला, और यहाँ पे इस जो आपका 15 था उसका 1 आप यहाँ ऊपर लिखोगे। अब ये
आपको फिर से 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, और ये आपको सम करके क्या मिल रहा है 7, तो 2 माइनस 7 आप नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करोगे 10 प्लस कर लोगे 2 में, तो ये बन गया 12। अब आपका आ गया यहाँ पर 5, तो आपने यहाँ फिल किया 5। अब वापस आपको 1 कैरी करने के लिए मिल गया, क्योंकि आपने यहाँ पे 12 बनाया इसको। तो जब आप कैरी डबल डिजिट नंबर बना लोगे इसको 12, तो आप 1 को कैरी करोगे। अब यहाँ पे फिर से 1 में से माइनस करना है, और 4 प्लस 1 5 है आपके पास, तो 1 माइनस 5 फिर से नहीं हो सकता, लेकिन आप 10 प्लस करके इसको बना लोगे 11। तो आपने 11 कर लिया, 11 माइनस 5 6, यहाँ पे आप फिल करोगे 6। अब आपको क्या करना है कि ये आपने 11 माना है, इसलिए यहाँ पे लिखोगे 1। अब यहाँ पे आपको नंबर मिला, यहाँ पे फिल किया हुआ नंबर 7। अब 7 यहाँ पर है, तो 7 माइनस 4, 4 कहाँ से आ गया, 1 प्लस 3 4 हो गया, तो 7 माइनस 4 हो गया यहाँ पे 3, यहाँ पे हो गया 3, तो 7 माइनस 4 ये हो गया 3। कैसे हुआ, इन दोनों को प्लस किया, 1 प्लस 3 4 हो गया, और 7 में से आपने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे हो गया 3। अगेन यू चेक योर क्वेश्चन, 3 प्लस 6 9, 8 प्लस 7 15, 1 कैरी किया, 1 प्लस 6 7, प्लस 5 12, 1 कैरी किया, 1 प्लस 6 7, प्लस 4 11, 1 कैरी किया, 1 प्लस 3 4, प्लस 3 7, योर आंसर इज करेक्ट। मतलब आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कि अगर आपको एडेंट वाले में डिजिट्स चाहिए तो आप सम वाली डिजिट में से सब्ट्रैक्ट कर लो, लेकिन अगर सम वाली डिजिट आपके एडेंट से छोटी है तो आप उसमें 10 प्लस कर लो, जैसे 2 है 12 बना लो, 1 है 11 बना लो, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करो, करेक्ट आंसर मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।